Hello to each and every one of you. Welcome to the MCQ lecture series for the chapter for the level of FY BCom or maybe FY BAF, and specifically for the chapter which is behind me, which is going to be single entry. Okay, I'll do my best. Just like the question is MCQ, it is supposed to be in a very concise manner. I'll hope that the explanation that I'm going to provide also is in a very concise manner. So, very simply put, let me get started with the only chapter right now of single entry. We are discussing the MCQs. Okay, now before we do that, very quickly, okay, do give me a minute. I've got to make a minor adjustment in my presentation. Okay, hopefully this should work out. Here, the main two accounts of single entry that you should be aware is debtor account, don't worry, it's going to pop up in some time, okay, and creditors account. Single entry एक ऐसा chapter है जहाँ पे nominal accounts जो होते हैं, rent account, salary account, wages account नहीं बनाया जाता, ये बहुत important है. Single entry को shortcut accounting कहा जाता है. जैसे मैं मेरे कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने उनको कहा जुगाड़ accounts का मतलब क्या है, काम हो जाता है, profit मिल जाता है, पर पूरा जो अकाउंट्स है मतलब पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं बनता. सो नॉमिनल अकाउंट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता सिंगल एंट्री में. सिंगल एंट्री में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट इनके एक एस्पेक्ट पे मतलब या तो डेबिट या तो क्रेडिट पे ही ध्यान दिया जाता है. वेरी क्विकली, क्योंकि आने वाले ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यूज में दो अकाउंट्स का जो नॉलेज है आपको काफी बार लगेगा. एक डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट में डेबिट साइड पे, ओके, लेट मी वेरी क्विकली पॉइंट आउट हियर, ओपनिंग बैलेंस आता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे. वेरी इंपॉर्टेंटली, इसके डेबिट में क्रेडिट सेल्स आता है, क्योंकि आप जब इनको बेचोगे तो ये बन जाते हैं डेबिट द रिसीवर, जब वो आपको पैसा देंगे तो वो क्रेडिट द गिवर. ये जो चार चीजें हैं, दीज फोर थिंग्स, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर ऑलमोस्ट कंपल्सरी इन एवरी डेटर अकाउंट, एंड उसका मिरर इमेज जो होता है कम्स इन क्रेडिटर अकाउंट, दैट इज बिहाइंड मी. हाँ, बिसाइड्स दीज फोर, सेल्स रिटर्न आता है, डिस्काउंट अलाउड आता है, बैड डेप्ट कंफर्म नहीं आता. सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्ट मे नॉट कम, बट द रिमेनिंग क्रेडिटर्स अकाउंट डेफिनेटली विल कम. ओके, सो नाउ क्रेडिटर्स अकाउंट विच इज द बिल्कुल उल्टा of debtors account looks like this. Credit side पे opening balance, debit side पे closing balance. आप creditors क्योंकि suppliers है, आप खरीदते हो, उसको कहते हैं credit purchases, तो वो ये ऊपर आ रहा है. And then क्योंकि आपने खरीदा, किसी भी दुकानदार से कुछ भी खरीदोगे तो पैसे तो दोगे ना, आप जब pay करते हो तो वो cash paid debit में आता है. Now besides this, परचेस का उल्टा परचेस रिटर्न भी आ सकता है, डिस्काउंट अलाउड का उल्टा डिस्काउंट रिसीव्ड, दीज टू एंड बिल रिसीवेबल बिल पेएबल. नाउ वेरी क्विकली टू रीकैप, दिस इज हाउ अ नॉर्मल फुल अकाउंट. यू मे वंडर सर ये एक सोल्यूशन है इन वन ऑफ द लेक्चर्स दैट आई हैड थॉट फॉर द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ सिंगल एंट्री. यू मे से बट सर इस तरह के क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे एमसीक्यूज अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये वाले लेक्चर्स अटेंड किए थे. नेवर्थलेस मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं दैट इन सिंगल एंट्री आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, वॉट वी आर डूइंग इज कॉल्ड एज कन्वर्जन मेथड. तो उसमें क्वेश्चन में जो सिंगल इफेक्ट दिया है उसका आपको सेकेंड इफेक्ट देकर कंप्लीट करना है. तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वहां पर, पीएनएल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है. इनके अलावा यू ऑल्सो प्रिपेयर एडिशनल अकाउंट्स. द वेरी फर्स्ट वन दैट यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और यू कैन कॉल इट ओपनिंग बैलेंस शीट. ये क्यों बनता है? सो दैट यू कैन फाइंड ओपनिंग कैपिटल. इनफैक्ट एमसीक्यूज में जो आने वाला है इस पे क्वेश्चन बेस्ड है. डेटर अकाउंट का उद्देश्य पर्पज क्या होता है? इज टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स. बिसाइड्स दैट अदर थिंग्स ऑल्सो कैन बी फाउंड आउट
जैसे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बिल रिसीवेबल में क्या आता है टू डेटर, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द बिल्स जो एक डेटर एक्सेप्ट करके हमको देता है. ओके उसकी जर्नल एंट्री बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर होता है. अगेन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच विल बी अ शॉर्ट वन, MCQs में 99% जो एक्सप्लेनेशन है वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स दे दिया है. आई डू माई बेस्ट टू गिव यू इन अ समरी द एक्सप्लेनेशन बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल. तो माई रिक्वेस्ट इफ यू व्यू नॉट ऑल द लेक्चर्स बट इवन द वन और द बिगिनिंग टू थ्री लेक्चर्स, इट विल बी अ लॉट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अपकमिंग MCQs जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, जो डेबिट क्रेडिट बेस्ड है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब उसको आप कॉन्सेप्चुअल नहीं कहते हो. ओके थियरी बेस्ड नहीं है बट न्यूमेरिकल बेस्ड है, टू अंडरस्टैंड दैट इन अ बेटर मैनर. ओके लेट मी गेट स्टार्टेड विथ आर MCQs, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर सिंगल एंट्री. सो ऑब्वियसली आई विल रीड देम फॉर यू एंड वन बाय वन द आंसर्स विल पॉप अप. अगर कुछ बहुत डिफिकल्ट रहेगा तो आई डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू. द फर्स्ट वन, इन दिस आई हैव टेकन अप अ लॉट विच इज रिलेटेड टू कंसेप्चुअल MCQs, क्योंकि जो न्यूमेरिकल MCQs थे वो मैंने जब सिंगल एंट्री पढ़ाया था उसके सबसे पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था. तो अगर आपको न्यूमेरिकल MCQs चाहिए तो आप सिंगल एंट्री का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें फर्स्ट लेक्चर में आप जाके चेकआउट कर सकते हो, द वेरी फर्स्ट लेक्चर. सो It reads about me. Usually in single entry system A, B, C, D, जो गलत है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. Single entry system में आप या तो cash, okay, and personal accounts are maintained. In fact, real accounts भी maintained नहीं है, मतलब asset liabilities पे ध्यान नहीं दिया जाता. पैसे, cash account और किससे पैसे आए हैं, कहाँ को पैसे गए हैं, आपको वही नॉमिनल अकाउंट पे ध्यान नहीं दिया जाता है. जितना कम हो सके उतने कम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग में सिंगल एंट्री किया जाता है. सेकंड, बाकी ऑप्शंस जो है वो परफेक्ट नहीं है या गलत है. प्रॉफिट कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अंडर सिंगल एंट्री बाय यूजिंग, देखिए अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड यूज होता है. अगर आप थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स में हो तो कन्वर्शन मेथड भी यूज होता है. तो ए एंड बी दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों से आप प्रॉफिट ढूंढ सकते हो. देयरफॉर द आंसर इज सी विच सेज आइदर ए और बी और बोथ यू कैन यूज, दोनों में कोई गलती नहीं होगी. पॉइंट नंबर थ्री, इफ बुक्स आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम credit sales are ascertained by preparing sales is connected to debtors, it is in no way connected to creditors or bill receivable or machinery. to debtor account agar aap banaoge normally uska balancing figure aapko answer dega of credit sales. question number 4, if books are kept under single entry system credit purchases are ascertained by preparing sales is connected to debtors, so purchases is connected to creditors. So simply put, creditor ka account bana do, kahan na kahan pe uske account mein aapko wo answer aa jayega. If books are kept under single entry system, opening stock is ascertained by preparing, there is no stock account that we prepare, stock ki jankari trading account mein aati hai. Opening stock, closing stock, purchases of stock, sales of stock. So like it says, अगर आप एक trading account बनाओ आपको पता चल जाएगा. Then there is a debtor account. Debtor में there is opening balance, closing balance. हाँ, there is cash received and वो जो balancing figure है ना, very importantly. Okay, उन लोग पूछ रहे हैं the balancing figure in the above account is likely to indicate what? Well, if I can very quickly remind you, हाँ अगर आप यहां पर देखो तो debit में which is the main item in debtors account, credit sales, तो my dear exactly the same is the reason here
ऑल्सो इज द आंसर हियर ऑल्सो कि डेबिट में क्या बैलेंसिंग फिगर आपको आएगा, क्रेडिट सेल्स, ये आना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आप सेल्स पे सामान नहीं बेचोगे तो फिर डेटर ही पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट, अगेन देयर इज अ बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये अलग है तो एसेट, डेबिट, क्लोजिंग क्लोजिंग क्रेडिट, कैश बैंक, क्रेडिटर्स। प्लीज रीड क्या कहा है, द एंट्री इन्वॉल्विंग टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। नाउ विच एंट्री, ये देखिए क्रेडिट में जो है ना वो वाला टोटल क्रेडिटर्स, नॉट द वन ऑन द डेबिट साइड। ओके, मे बी फॉर, तो दे आर आस्किंग यू कि ये जो क्रेडिट में बाय टोटल क्रेडिटर्स लिखा है, वो इज दिस कमिंग इन बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगेन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट देर इज वन जर्नल एंट्री जहां पे आपके पास जो बिल है, बिल रिसीवेबल, आप लेके वो क्रेडिटर को एंडोर्स करते हो। व्हेन यू टेक अ बिल एंड यू गिव इट टू द क्रेडिटर, जर्नल एंट्री आती है क्रेडिटर डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, तो वो क्रेडिटर के डेबिट साइड में आता है और बिल रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में आता है। सो द क्वेश्चन वॉज वॉट इज दिस, इसका मतलब क्या है टोटल क्रेडिटर, दिस इज बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड। इट्स अ लिटिल ट्रिकी, नॉट वेरी सिंपल, लाइक चुटकी बजा के समझ में आया। देर इज वन स्पेसिफिक क्वेश्चन विच आई हैव डन इन माई लेक्चर सीरीज ऑफ सिंगल एंट्री, जहां पर बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल की कहानी में जितना उतार चढ़ाव हो सकता है, ऑनर डिसऑनर एंडोर्स्ड, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। इफ यू डू हैव टाइम, मिलता है, आप वो देख सकते हो इफ यू वॉन्ट अ लॉन्गर एंड मोर परफेक्ट और बेटर एक्सप्लेनेशन। The above account is a creditor account. Debtor का बिल्कुल उल्टा है, opening balance है, closing balance है, purchases है and cash bank, ये minimum, ये already है। इसके अलावा there is a balancing figure on the debit side and the question is the balancing figure in the above account is likely to indicate what? Again, just to remind you, अगर आप क्रेडिटर अकाउंट देखो, सो ऑन द डेबिट साइड आपको एक परचेस रिटर्न आएगा और एक डिस्काउंट रिसीव्ड, बाकी ये जो ऊपर के अकाउंट है ये सारी चीजें आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर इट्स ऑलरेडी विजिबल। सो इफ यू चेक द ऑप्शंस, बिल पेएबल डिसऑनर्ड, बैंक चेक डिसऑनर्ड, endorsed bill receivable dishonored, option A, B, C actually come on the credit side of creditor account, credit, so it cannot be A, B, C kyunki wo credit side pe aate hain, so it has to be purchase return, again chutki baja ke ye nahi by heart bhi nahi kiya ja sakta, agar aapko creditor account ka practice achhi tarah se hai, you definitely can understand this in a better manner. Okay, question number 9, opening capital is ascertained by preparing opening statement of affairs, that is the reason hum log opening statement of affairs banate hain, taki hum asset likhe, liability likhe, minus kare and we get the opening capital. 10, cash received from debtors for the construction of cash account, cash account jo banta hai receipt payment, usme se debtors se jo cash aata hai, question uske upar hai, कैन बी असर्टेंड फ्रॉम डेटर्स अकाउंट, बनाओगे तो डेटर्स अकाउंट में यू विल गेट द आंसर ऑफ कैश, ट्रांसफर दैट टू कैश अकाउंट। 11th पॉइंट, गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, डेटर्स में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, एंड द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल्स, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट विल बी राइट नाउ यू कैन सी, हाँ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बट अगर आप थोड़ी मेहनत करो और डेटर अकाउंट देखो, इफ यू सी डेबिट में देर इज ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट में देर इज क्लोजिंग बैलेंस एंड डेबिट में देर इज कैश सेल्स, क्वेश्चन में क्या था, इसके अलावा अगर कुछ मिसिंग होगा तो वो क्या होगा डेटर अकाउंट में, कैश रिसीव्ड। अगेन चुटकी बजा के ये नहीं होता, इफ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स
This is a lot more simpler to understand. Next, closing balance of trade creditors can be found out ascertained from creditors account बनाओगे तो closing balance, opening balance, purchases, cash paid कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा आपको. Point number 13, an estimate of assets and liabilities as on a date. एक asset लिखा आपने, liabilities लिखा, तो उसको क्या कहा जाता है? Well, in single entry उसको statement of affairs. It's like a balance sheet, but it's not a perfect balance sheet. इसमें जो balancing figure आता है, that is considered to be capital. 14, काफी लंबा चौड़ा है, read it. Says, consider the following statements. Double entry bookkeeping, which is not single entry, बिल्कुल उल्टा है उसका, means that two set of records are maintained. Question आगे है, are the statements true or false? See, double entry में not two set of records, two effects are done, debit and credit. Okay, so ये जो two set of record, एक record तू रख, एक record मैं रख, ऐसा नहीं है, two effects होते हैं. तो मैं बोलूंगा one is actually false in double entry bookkeeping. Point two, we have a basic check on the accuracy of the entries as the total value of debit entries and the total value of credit entries should be equal. Actually, that is the purpose of double entry. जो भी आप debit लिख रहे हो, जो भी आप credit लिख रहे हो, they have to match. Okay, and that is the main purpose. तो मैं बोलूंगा point number two correct है, true है. They have given you four options. हमारे हिसाब से the first is false, the second is true. And if you look at your options, option C fits the bill. So that has to be the correct one. Okay. And we are quite fast and quickly at the end of this MCQs. क्योंकि मैंने कहा numerical जो है वो जो मेरे normal lecture series का जो playlist है उसके first lecture में आपको मिल जाएगा. This one. Which of the following items? There are seven items. Would appear on the credit of total debtors account. Again and again, you will notice that I am going back to this. And what is this? The main account. कि credit में आपको क्या-क्या दिखेगा? Well, आप देख सकते हो, cash received दिखेगा, sales return दिखेगा, discount allowed दिखेगा, bad debt दिखेगा, closing balance दिखेगा. अगर ये चीजें आपको दिखती है तो यहां पे क्या क्या ऑप्शन है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, सो वन इज करेक्ट. बैड डेट रिटर्न ऑफ, टू इज करेक्ट. इंक्रीज इन आरडीडी, नहीं, आरडीडी डज नॉट, आरडीडी बैलेंस शीट में आता है. डिस्काउंट अलाउड इज करेक्ट. सेल्स डेबिट में आता है. क्रेडिट फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स साउंड्स फैंसी बट इट्स सेल्स रिटर्न. हाँ, तो वो जो सिक्स्थ पॉइंट है, वन टू फोर सिक्स, इतना तक करेक्ट है. कैश रिफंड टू कस्टमर्स, ये नहीं आता. व्हेन यू गिव द कैश बैक, हाँ, तो क्रेडिट में नहीं आता है. तो वन टू फोर एंड सिक्स डज कम ऑन द क्रेडिट साइड एंड द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट वन इज ए ऑप्शन, वन टू फोर एंड सिक्स. This is all in as quick manner as possible that I could give you the examples of MCQs जो single entry में conceptual basis पे, debit credit basis पे आ सकता है. Okay, very quickly at the earliest possible I'll try to come up with the remaining chapters MCQs also. Okay, that is it for me for right now with the single entry MCQs. All the very best if your upcoming, if your exams are going to be starting very, very soon. Bye for now.